प्यारे बच्चों, कैसे हो? आशा है कि आप घर पे स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे। कल 7वीं क्लास को कुछ प्रश्न दिए थे और उसमें कुछ प्रॉब्लम लगी। बच्चों की बार बार रिक्वेस्ट आई कि सर, ये लास्ट वाला प्रश्न नहीं हो रहा है। तो इसके लिए थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं, 6ठी कक्षा में चलते हैं। 6ठी कक्षा का भी इसके अंदर कवर हो जाएगा, 6ठी क्लास भी लाभान्वित होगी और हम भी होंगे। तो आज के लिए यही देखते हैं कि हम गुणा उपयुक्त क्रम में कैसे कर सकते हैं। उपयुक्त क्रम में करनी है गुणा, तो हम वैसे जैसे करते हैं कर भी देंगे तो आसानी से, ना सही लेकिन थोड़ी मुश्किल तरीके से उसको हम निकाल लेंगे। लेकिन आसानी से गुणा कैसे करनी है उपयुक्त क्रम में लगाकर, उन प्रश्नों को आज लेंगे। जैसे मेरे पास एक प्रश्न आया है, हम आमतौर पर इसको ऐसे ही गुणा करते हैं कि 4 को 166 से गुणा करेंगे, उसके बाद जो उत्तर आएगा उसको 25 से गुणा करेंगे। लेकिन यहां पे थोड़ा सा बदलाव करते हैं इसके अंदर। हम बदलाव क्या करते हैं कि वो अंक ढूंढ लेते हैं जो 5 से भाग होते हैं और 2 से पूरा पूरा भाग होते हैं। 2 से पूरा पूरा भाग, वैसे ये भी हो जाता है, ये भी हो जाता है, लेकिन हम छोटे से ही चलेंगे। 5 से 25 पूरा पूरा भाग हो जाता है, 2 के पहाड़े में हम देखते हैं कि 4 आता है, 2 से पूरा पूरा भाग वो भी हो जाता है। तो सबसे पहले हम इसको इस प्रकार लिखेंगे कि 4 गुणा यहाँ पे 25 लाएंगे और उसके बाद में फिर 166 लेके जाएंगे। गुणा में यदि संख्याओं को आगे पीछे रख लेते हैं तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो इसलिए हम इसको रख सकते हैं। अब देखो ये गुणा आसान कैसे हो गई। इन दोनों की गुणा करो, 25 चौके हमें पता है कितना होता है 100, और ये 166, ऐसे कैसे ही। अब 166 से गुणा करने के लिए जो 0 है उनको नहीं लेना है, जो बाकी बच गए उनको गुणा करो। 166 एकम 166 और 2 जीरो बची है तो लास्ट में 2 जीरो आ जाएगी। तो इसका उत्तर मेरे पास 16,600 आ गया। बिल्कुल आसानी से गुणा हुई है। और देख लेते हैं इसी प्रकार के प्रश्न। यदि मैं ये लूं कि 50 गुणा 36 गुणा 2, अब ये तो आपको पता है कि 50 को और 202 को गुणा करने से हमारे पास क्या आ जाएगा। तो पहले हम इसको ही ले लें, 50 को 2 से गुणा करें और बाद में 36 लिख लें। 50 गुणी 100 और गुणा 36, और 36 को 100 से गुणा करेंगे, 36 एकम 36 और 2 जीरो 3600 आ गया। तो इस प्रकार से हम इसको ले सकते हैं। और कैसे प्रश्न हमारे पास इसमें आ सकते हैं, इसमें प्रश्न हमारे पास इस प्रकार से भी आ सकते हैं। 125 गुणा 4 गुणा 8 गुणा 25। अब इस प्रकार के प्रश्न के लिए हम पहले देख चुके हैं कि 25 और 4 की गुणा मेरे पास सीधी की सीधी 100 आ जाती है, तो हम इनको पहले ही लिख लेते हैं। 4 गुणा 25 और गुणा में बाकी जो बच गया, क्या बच गया, 125 गुणा 8, ये 8 बचा था ना यहां, ये 125 आ गया, और 25 और 4 हमने पहले ले लिया था। अब इन दोनों ही गुणा करो, 25 चौके 100, और यहां को 125 को यदि हम 8 से गुणा करेंगे, 125 को आप 8 से गुणा करके देखना, 1000 आएगा। मतलब हमारा मकसद है इस गुणा को आसान बनाने का कि ज्यादा से ज्यादा शून्यों की संख्या बाद में आए। ज्यादा से ज्यादा शून्य होंगे तो गुणा और भी आसान होगी। अब देखो, शून्य छोड़ दो, 2 ये छोड़ दी, 3 ये छोड़ दी, 1 और 1 बच गया, 1 एकम 1, और 2 और 3 कितनी जीरो होगी, है 5 जीरो होगी। तो हमारे पास ये क्या आ गया, 1 लाख इसका आंसर आ गया। और वैसे हम करते हैं 125 को 4 से, फिर जो उत्तर आता है उसको 8 से, फिर जो उत्तर आता है उसको 25 से, वो हमारे लिए और मुश्किल हो जाता। अब इस प्रकार से यदि मेरे पास कोई प्रश्न आ गया तो इसको मैं कैसे हल करूंगा, क्योंकि देखो 5 वाला 5 के साथ गुणा करेंगे तो वही डिफिकल्टी जाएगी। तो हम पहले इनको ही गुणा करते हैं, लास्ट वाला को, और इसको आगे भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कि इसको बाद में लेके जाए। 5 को 6 से गुणा करना है, 5 6 30 और 1 जीरो ये थी तो ये लास्ट में लग गई। अब यहां पे गुणा करते वक्त 2 जीरो छोड़ दिया हमने, 3 से गुणा करना है इसको, 3 5 15 1 3 24 1 25, 2 3 6 2 8, 855 और कितनी जीरो बची हैं, 2 जीरो, तो 2 जीरो लास्ट में हमने इस प्रकार लगा दी। इस प्रकार से गुणा कर सकते हैं। और हमारे पास कैसे प्रश्न आ सकते हैं, आप देखिए, सभी तरह के प्रश्नों का हल करेंगे हम यहां पे। किस किस को गुणा करने से 0 बन जाएगी, इन दोनों को भी करने से, लेकिन हम पहले छोटे से करेंगे, इसका ध्यान रखना है, पहले छोटे वाले लेंगे तो और आसान रहेगा ये प्रश्न। 8 को 5 से गुणा करें, 8 गुणा 5 और गुणा 126, अब 8 5 40 है,
126। अब जीरो छोड़ दे, चार को इससे गुणा करें, चार छिके 24, दो चार दुनिया 8, दो 10, एक चार एक चार एक 5, 500 और बाद में ये जो जीरो बची थी लगा दिया, 5040 इसका आंसर हो गया। तो हम बड़ी आसानी से गुणा को आसान बना सकते हैं यदि हम सही क्रम में लगाकर उनको गुणा करें। और इस प्रकार के प्रश्न क्या हो सकते हैं हमारे पास, अब इसमें देखें हम कि ये तो 9 है लास्ट में, इसको तो छोड़ ही देना है, 5 वाला ये है और ये 2 के पहाड़े में 16 आता है, इन दोनों की गुणा पहले करते हैं, 279 गुणा, जब इन दोनों ही गुणा करेंगे ये 10,000 मेरे पास आ जाएगा, आप गुणा करके देख लेना, 10,000 इसकी गुणा आएगी। और जब इसको करेंगे 279 को एक से, 279 एकम 279 और कितने जीरो है बाद में, 4 जीरो है, तो 4 जीरो आ गई और हमारे पास आंसर ये 27,90,000 रुपए इसका, 27,90,000 इसका उत्तर आ गया है। तो बड़ी आसानी से गुणा कर सकते हैं। इसमें एक और प्रकार से प्रश्न हमारे पास गुणा के आते हैं, जैसे ये आ गया 625 गुणा 25 जमा, इसको 35 ले लेता हूं मैं, 625 गुणा 65। अब इस प्रकार की गुणा में हमारे पास संख्याएं 2 बन गई है, जिसमें ज्यादातर प्रॉब्लम भी 7वीं क्लास के बच्चों को आई है, तो इसको ध्यान से देखना है कि हमें किस प्रकार करना है। अब 625 गुना 35 जमा 625 गुना 65, हम आमतौर पर इसको इसी प्रकार से करते हैं, 625 को पहले 35 से गुणा करेंगे, फिर 625 को 65 से गुणा करेंगे, फिर दोनों का जोड़ लेंगे। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है इस स्थिति में, हम क्या करेंगे, और सातवीं क्लास के बच्चे ध्यान रखें कि आप लोग सीधा उत्तर लिख देते हैं, उत्तर नहीं लिखना है, जैसे मैं निकाल रहा हूं ऐसे ही प्रश्न निकाल के आपको देना है, सभी क्लासेस के बच्चे ध्यान रखें। अब 625 इन दोनों में है तो मैंने पहले 625 बाहर ले लिया और ब्रैकेट के अंदर, अब मैं बाकी बची संख्याओं को लूंगा, ब्रैकेट का मतलब भी गुणा ही होता है, 625 यहां पे 35 के साथ गुणा है, 625 यहां पे 65 के साथ गुणा है, तो यहां से यदि मैंने 625 ले लिया तो यहां मेरे पास क्या बच गया, 35, बीच में जोड़ का निशान है, यहां से 625 बाहर ले लिया, यहां क्या बच गया, 65। अब 625 है गुणा 35 और 65 का जोड़ करेंगे, हमारे पास क्या आ गया, 100 आ गया। अब 100 आ गया तो 625 को एक से के साथ गुणा किया, 625 और दो जीरो है लास्ट में, तो दो जीरो 62,500 इसका उत्तर आ गया। और किस प्रकार से प्रश्न इसके अंदर आ सकते हैं, आप देखिए, इस प्रकार के प्रश्न इसमें आ जाएंगे। अब इसमें भी देखें, दो अलग अलग संख्याएं हैं, जोड़ है घटा है वो तो बाद में देखेंगे, इन दोनों में कौन सी संख्या है जो कॉमन है, 117 है, तो हम बाहर क्या लेंगे, 117 है, ब्रैकेट शुरू, यहां क्या बच गया, 169 घटा 117 उधर ले लिया था, क्या आ गया, 69, 117 दोनों में से हमने बाहर ले लिया और बाकी जो संख्या बची उसको ऐसे ही लिखना है बीच में निशान के साथ लेके, तो 117 अब गुणा में 169 में से 69 का क्या बच गया, 100, फिर वही आ गया 117 एकम 117 और दो जीरो बाद में, इस प्रकार से हम इसको कर सकते हैं। ये भी प्रश्न एक आ सकता है इस प्रकार से, दो संख्या है हमारे पास तो 297 दोनों में है पहले तो बोले, अब यहां क्या बच गया, 13 है, बीच में जोड़ का निशान है, 297 बाहर ले लिया था, क्या बच गया, 7, अब 297 गुणा 13 और 7 20, अब 20 से गुणा करने के लिए हमें पता है जीरो छोड़ दे, 2 से करें, 2 से 14 1, 2 में 18 एक 19 1, 2 दो 4 एक 5 594 और बाद में एक जीरो था उसकी जीरो लगा दी, 5940 इसका आंसर आ गया है। और भी किस प्रकार से आ सकते हैं प्रश्न, प्रश्न देखो किसी प्रकार से आ सकते हैं, हमें संख्या देख के घबराना नहीं है, एक ये संख्या आ गई 58375 गुणा 92 प्लस 58375 गुणा 8, 58375 गुणा 92 58375 गुणा 8। अब इसके अंदर हमें क्या करना है कि ये देखना है दोनों संख्याओं में कौन सी संख्या जो कॉमन है जो दोनों में आ रही है, वो है 58375, उसको बाहर ले लिया, अंदर क्या बच गए, 92 जमा का 8। अब 58375 ऐसे कैसे आ गया, गुणा का निशान, 92 और 8 को जोड़े कितना आ गया हमारे पास, 100। अब 100 से गुणा करना तो बिल्कुल आसान है, ये ऐसी कैसी संख्या आ जाएगी, 375 और पीछे दो जीरो है तो दो जीरो लग जाएगी, कितनी आसान गुणा हो जाती है यदि हम सही तरीके से इसको करें। तो आशा है कि आपको ये समझ में आ गया होगा और इस विधि से अब आप ये प्रश्न कीजिए और अपने अपने अध्यापकों को दिखाइए।